हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 40 लेकर आए हैं, और यह आपका सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीतिक है उस बुक से है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी टाइप करके दिया है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी बेहतर लगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। मतलब हमारे देश पर राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है, केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य भूमिका निभाती है कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार की जो फैसले होती है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाती है, इसे एक देखिए। विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना। विधायिका से आप याद रखेंगे, विधि बनाना अर्थात कानून बनाना। जो हमारे देश में जितने भी लॉ होते हैं, जो भी कानून होती है, ठीक है, जो पीपल के वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है, उसके लिए वो कौन करते हैं? विधायिका करते हैं। और विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी? कानून का पालन कराने वाली कार्यपालिका कहलाती है। अर्थात जो कानून बनी है उसे पालन कराने के लिए जो कार्यपालिका होती है, ठीक है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट जज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो न्यायपालिका वह होते हैं जो कानून की सही समीक्षा करने वाले और कानून की सही समीक्षा करके उसे न्याय देते हैं, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकार पर नागरिक की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है, और वह टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब सरकार जो है ना नागरिकों को सुरक्षा देती है, ठीक है, उन्हें स्वास्थ्य हेल्थ फैसिलिटी देती है, तो इसमें जो लगने वाले जो पैसे हैं, ठीक है, इसमें जो टैक्स के द्वारा जो जो हम पैसे देते हैं, अब वो क्या करती है? सेना पे खर्च करती है, पुलिस पे खर्च करती है, ठीक है। सरकार इस तरह के कार्य को विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है, ठीक है, और ताकि लोकतंत्र के ठीक से काम कर सके और बड़े से बड़े फैसले लेने में देश के सभी अब हम देखते हैं इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी में हैं। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और राष्ट्रपति जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश राज्य सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारी का इस्तेमाल वही करते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री जो ना देश के में जो अधिकारी होते हैं उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना, हमारे भारत देश में जो है ना एक ही नागरिकता है, और तो सिंगल सिटीजनशिप है। और हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पावर वो मिली हुई है वो प्रधानमंत्री को मिली हुई है, राष्ट्रपति को नहीं है, ठीक है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर मिला हुआ है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अर्थात प्रधानमंत्री जो दूसरे मंत्री की अगर नियुक्ति करवाना चाहते हैं तो उसमें भी राष्ट्रपति जो क्या करते हैं? सिफारिश करवाते हैं। संसद क्या होता है? अब इस चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। संसद क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो बनती है वो संसद कहलाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होती है। अर्थात राष्ट्रपति जो है ना दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इनके मंजूरी के बाद ही जो है ना इनकी संसद लागू होती है। लोकसभा बनाम राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन है उसमें। तो हमारे संविधान में सभी राज्यों को राज्य के अधि संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
अर्थात हमारे संविधान में जो प्रत्येक राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली, बिहार, यूपी इत्यादि जगह जो है ना ये प्राप्त है। अब देखिए, लेकिन अन्य अधिकारी मामले में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है, अलग मामले में सर्वोच्च सबसे बड़ा अधिकार लोकसभा के पास है, ठीक है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है। देखिए, तो लोकसभा के विचार को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उससे एमपी होते हैं, एमपी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या करते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसे हम सांसद कहते हैं। पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वे उन सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, सही बात है। जैसे लोकसभा में, जैसे अभी हमारे देश की सरकार में मोदी सरकार है, वो लोकसभा के से चुने हुए हैं, ठीक है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह तर्क कह देते हैं कि उनका मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ने पड़ेगा। जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम एक एक करके आंसर देते हैं, ठीक है। टाइप किया हुआ आंसर है। चलिए, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या क्यों है, राज संस्थानों के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाता है, और लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इनकी संस्थाओं के नाम बताइए। तो केंद्र सरकार का तात्पर्य, केंद्र सरकार से तात्पर्य है, ये का मिटा दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर का सरकार या संघ की सरकार। केंद्र सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, कार्यपालिका जो कानून का पालन करने वाली संस्था होती है, न्यायपालिका जो कानून की समीक्षा करने वाली संस्था होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बस सरकार पर नागरिक की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इत्यादि के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप थर्ड देखिए, इसको आपको अच्छे से समझना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो देखिए, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं, तो संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में अधिकारी निम्नलिखित रूप से भूमिका निभाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति होता है, और देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रमुख जाने माने माने जाते हैं, और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में पर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अब इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर
उसके संसद का क्या रोल होता है? राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर संसद बनता, और राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, परंतु फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार जब किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है। लोकसभा के द्वारा जो बजट पारित होती है वह उसे 14 दिनों तक अपने पास रखती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। थर्ड है, सिर्फ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं जिसे लोकसभा आधे से अधिक बहुमत हासिल कर हुए हैं, और लोकसभा की में सीटों की संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है मैक्सिमम। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।